सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं कैल्पोल 100 mg ड्रॉप्स के यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर न्यूनेट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें किन हिसाब से यूज करना चाहिए, ठीक है, क्या इसका उपयोग होता है, कैसे उपयोग करना है, क्या बेनिफिट्स होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, डोज क्या रहेगा, किस बच्चे को कितनी मात्रा में देनी चाहिए और इस मेडिसिन के देने के बाद क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कैल्पोल 100 mg ड्रॉप्स। इसके फार्माकोलॉजी के बारे में जानते हैं। इसमें जब सबसे पहले मेन कंपोजिशन पाए जाते हैं वो पैरासीटामोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पैरासीटामोल पाया जाता है। कितने के स्ट्रेंथ में पाया जाता है? वो आपको 100 mg के स्ट्रेंथ में इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है, ठीक है। ये मेडिसिन क्या होते हैं? ये मेडिसिन एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक, जनरली जो पायरेक्सिया डिजीज हो जाती है हमारे बॉडी में, अगर पायरेक्सिया हो जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में से एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। किसी भी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर घट जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है? उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक। जो कि एक पीडियाट्रिक ड्रॉप्स होता है, ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, ये पीडियाट्रिक ड्रॉप फॉर्म में भी आता है और सिरप फॉर्म में भी आता है। ये ड्रॉप के साथ सिरप फॉर्म में दोनों में आता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। तो यूज़ क्या इसका उपयोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं? सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है बुखार को कम करने के लिए, यानी किसी बच्चे को फीवर हो रहा है, ठीक है, तो फीवर को कम करना है तो इस ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। टू रिड्यूस फीवर, यानी ठीक है, बुखार को नियंत्रित करने में यह क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्या होता है? सिर दर्द, जैसे हेडेक भी बोलते हैं, ठीक, सिर दर्द से राहत प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, शरीर में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो शरीर के दर्द में आराम करता है, आराम देता है, यानी बॉडी एचेस बोलते हैं, जो कि शरीर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और अन्य प्रकार के दर्द को कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट चलिए इसका यूज और भी होता है, जैसे कि इसका यूज़ होता है किसी बच्चे को अगर दांत दर्द हो रहा है, दांत बाहर निकलने के कारण अगर दांत दर्द हो रहा है, टूथहेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों में दांत दर्द को शांत करने के लिए भी यह हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे में क्या हो जाता है, ठंड की समस्या हो जाती है, जैसे फ्लू के लक्षणों जिस समस्या हो जाती है, तो उनमें क्या करता है, उन्हें राहत देने का प्रदान करता है। जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है या फिर फ्लू सिम्टम्स हो जाते हैं, ताप के फ्लू सिम्टम्स में जैसे कि ठंड लगना, जुकाम और फ्लू से राहत वाले हल्के और दर्द बुखार से भी आप राहत देता है। तो इन कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी होता है। ये साइड इफेक्ट आपको ओवरडोज के कंडीशन में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है और स्टमक अपसेट की समस्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो ये डोजेस होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट कंडीशन, यानी बेबी के वेट और एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डोज आप कितना दे सकते हैं फॉर इन्फेंट्स, यानी 2 से लेकर 3 मंथ के लिए बच्चों के लिए कितना रहेगा, तो आप 0.6 ml दे सकते हैं, जो कि कितना टाइम तक देना है वो आप 4 से लेकर 6 आवर्ली इसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल।